प्रदेश भर में डॉक्टरों की 2.5 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक के चलते स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। इसी कड़ी में जिला कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल के डॉक्टर 11वें दिन भी हड़ताल पर रहे। क्षेत्रीय अस्पताल के डॉक्टर कल्याण ने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल को 44 दिन और पेन डाउन स्ट्राइक को 11 दिन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि 7 मार्च को सभी डॉक्टर पूरे प्रदेश भर में मास कैजुअल लीव पर रहेंगे। डॉक्टर कल्याण ने कहा कि डॉक्टरों की विशेष मांग है कि एनपीए बहाल किया जाए और डायनेमिक करियर प्रोग्रेशन व डीपीसी समय पर की जाए, जिसमें से 11 डेज पेन डाउन स्ट्राइक के हैं, बाकी 33 डेज जो हमारे ब्लैक बैजेस के थे। हमारी जो एनपीए की जो डिमांड है वो मुख्य तौर पे है एनपीए और डायनेमिक करियर प्रोग्रेशन जो है वो अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन और टाइम से डीपीसी होना के अलावा अन्य मांगे भी हैं, पर ये 3-4 हमारी मुख्य मांगे हैं। और संघ ये भी चाहता है कि जो रिटायर हो जाते हैं उनको किसी प्रकार से कोई एक्सटेंशन ना मिले। वहीं डॉक्टरों की हड़ताल के चलते दूर दराज से अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाज करवाने के लिए मरीज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंच रहे हैं, लेकिन हड़ताल के चलते ओपीडी 3 घंटे तक बंद रहती है। इस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की है और कहा है कि सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारे को इतनी मुश्किल हो रही है, कभी भी आओ हॉस्पिटल में जी 12 बजे से पहले 11 बजे से पहले कोई डॉक्टर नहीं बैठता है। तो अपने जो हिमाचल सरकार है पीछे सेंटर की सरकार है क्या क्या कर पाया है, डॉक्टर की परेशानी नहीं समझ रहे लोग, बाकी पब्लिक परेशान सब है जी। पिछले मंगलवार को भी आए थे जी, तो यहाँ स्ट्राइक थी बहुत ज़्यादा, फिर हम परेशान होकर घर चले गए और आज सवेरे 9 बजे से बैठे हैं यहाँ। अब डॉक्टरों की स्ट्राइक चली है, अब बोलते हैं 12 बजे के बाद आएंगे, तो अब हम क्या करें, आप हम बहुत परेशान हैं सर। दूर दूर से हम देखो यहाँ इलाज करने आते हैं, फिर भी हमारा इलाज नहीं हो रहा है, और सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। यहाँ 11 दिन से डॉक्टरों की स्ट्राइक चली है, जिससे सरकार कोई ऐसी खबर नहीं ले रही है, जिससे मरीजों को दर दर भटकना पड़ता है। कई दूर दराज से आ रहे हैं, दूर दराज से देखो कितना इंतजार में बैठे है, कोई ऐसा पूछ ही नहीं रहे है, सरकार भी नहीं पूछ रही है। तो यार ये 10-11 दिन हो गए, मेरी मिसेज प्रेग्नेंट है, मैं इतनी दूर से आता हूँ, बस का वो नहीं होता, टाइमिंग नहीं होती हमारी। एक तो आजकल बरसात से रोड खराब है, सारे बसें नहीं आती जाती है टाइम पे, और फिर प्रेगनेंसी का 9th मंथ चला, और फिर मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर।